पापराजी पापराजी पापराजी। बाली पहुंचते ही हमें 3 लाख रुपए का जो है ना वो नुकसान हो गया। अभी दिसंबर में मैं टोरंटो गया था तो वो आप समझ लो कि ये टोरंटो एयरपोर्ट से 10-15 गुना ज्यादा खूबसूरत है। आफ्टर ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीने बाद हायाबुसा, कितना, नहीं नहीं 1 महीने बाद, 1 महीना, हाँ मेरे ख्याल शादी से 2 हफ्ते पहले शायद मैंने चलाया था और शादी को भी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, हाँ 4-5 हफ्ते हो गए हैं इसको यहाँ पे खड़े हुए। 1 महीना तो तेरे विवाह को होने वाला है। 1 महीने शादी को होने वाला है, हाँ, उससे 2 हफ्ते पहले से खड़ा है ये। तकरीबन 2 महीने हो गए। 1.5 महीना, चलो डेढ़ कर ले, दो ना क्या, 1.5 महीना। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह पैंथर। आज हम बूसा को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट, ताकि फ्रेश रहे। शादी होगी, गायब हो गए हो, किधर चले गए ये देखो, हम सारे वैसे अभी भी साथ कर रहे हैं। क्या कुछ चेंज हुआ कैमरे में? अब्दुल्ला बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ? कुछ क्या चेंज हुआ जेडी? ऐसे अब तू बंटी यार कुछ हुआ? पहले तो तेरा अब रात के 11 बजते हैं, रात के यार बस चले यार वो ये तो अब ये तो बड़ी सी यार ये तो अच्छा। और पहले क्या होता था? पहले तो वो भी 11 ही बजे यार क्या तकलीफ है, बैठ जाते यार। देखो देखो एक और गाड़ी में कहते हैं यार ध्यान से बैठना, गंद ना मचाना। नहीं देखो ये गंद गुंद आना तो नहीं, लेकिन ये रात को 11 बजे ये वाली चीजें तो ऑब्वियस है क्योंकि घर पहुंचना होता है। 11 बजे तो पहले भी कहता था आओ यार डिफेंस क्रूज करने चलते, अभी तो ये कहता है यार घर जा रहा हूं। हां अभी भी मैं कहता हूं यार घर जा रहा। बाकी और सब फिट चल रहा है। जिस दिन लाहौर पहुंचा पहले दिन वाइफ के साथ आया था, घर वाले भी तो उनको घर छोड़ के हमारे साथ राइट स्टे किया, नाइट स्टे आते हैं। मैं तो शादी के बाद जब मैं लाहौर आया हूँ अभी 3 दिन पहले तो इनके साथ में आती रुका। ये ना कहने की बातें नहीं होती, दुनिया का हर शरीफ बंदा थने लगा हुआ है। ये लग गया तो हमें इससे कोई मसला नहीं है। हेलो हेलो हमारे साथ मौजूद है मशहूर आलम दीन मुल्ला क्योंकि ये इसने थैले लगने वाली बात इसलिए की फुल थैले लगा रहा है क्योंकि निचले फ्लोर पे जरूरी होता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं अभी जब शादी से आया हूँ ना, मतलब लाहौर आया हूँ अभी 3-4 दिन पहले, इसके पास आके स्टे किया हमने रात इकट्ठे, मैंने कसम से देखा जवाद के बेड के नीचे भाभी वाली साइड पे तलवार पड़ी हुई है। तलवार पड़ी असली जेनुइन अल्लाह की कसम, भाभी नीचे तलवार ने कहा। मैं कसम से हैरान रह गया, भाभी वाली साइड पे बैठी के नीचे अंकलों ने, अब घर में अबुओं ने पिस्तौल रखी होती है ना नीचे, भाभी ने तलवार रखी हुई है इसके लिए। ये तभी रात को कहता है 9:30 बजे के घर चले घर चले घर चले। बेटे बेटे मौज कर दी। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। आपका भाई आर एच एस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, लॉन्ग टाइम नो सी। शादी के बाद भाई ऐसा गायब हुआ कि अब वापस आया, वो सारी दावतें और वो शादी के बाद वाला जो टाइम चल रहा होता है घर वालों के साथ, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वो वीडियो बनाएंगे अब शादी के बाद कि हाउ वी मेट और ये वो, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। हमारी किस तरह से शादी हुई ये लोग पूछ रहे थे, और मेरी वाइफ क्या करती हैं ये पूछ रहे थे, तो वो जवाब सारे खुद ही देंगी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या लोग पूछ रहे हैं कि भाभी क्या है इंसान के अलावा? मैं डेंटिस्ट हूँ। और आगे अच्छा, डेंटिस्ट होने के अलावा दूसरा सवाल कि हमारी शादी कैसे हुई, हम मिले कैसे? एक दफा का जिक्र है, एक पार्टी में हम लोग मिले, ऐसा वाला कोई सीन नहीं हमारा। कजन वजन है, रिलेटिव्स हमारी अरेंज मैरिज है, हम कजन्स हैं, और ऐसा कोई सीन नहीं है कि कहीं और हम मिले और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई है। वो बचपन से छोटे छोटे हमारी तो ऐसी ऐसी स्टोरी है, मैंने महा के बाल भी खींचे हुए हैं। खैर वो कजन्स में जो होता है वो होता है। तो अभी आज हम लोग निकल रहे हैं अपने ट्रिप पे, ट्रिप कहाँ पे है वो भी मैं बताता हूँ। फिलहाल जेडी भी आया हुआ है, गाड़ी में सामान रखना है, पैकिंग शेकिंग बहुत बहुत टाइम लगा इस बार पैकिंग में, और सामान रखेंगे और फिर एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट की तरफ रवाना दवा, और हमारी जो पहली फ्लाइट है वो है लाहौर से कराची की। अभी हम लोग जाएंगे कराची, फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्टे है, और उसके बाद अगली फ्लाइट हमारी बैंकॉक, बैंकॉक में 1 घंटे के स्टे के बाद अगली फ्लाइट हमारी बाली। तो इस तरह हम बाली पहुंचेंगे। अब यहाँ लाहौर से भी फ्लाइट मिल रही थी, लेकिन वो जो मुझे कराची से मिली है वो उससे एग्जैक्ट 1 लाख रुपये महंगी थी। जो मैं लास्ट टाइम थाईलैंड गया था जब, तो मैंने रिटर्न टिकट लिया था 1 लाख रुपए का, वो इजी था उस टाइम। अभी यकीन करो थाईलैंड के टिकट 3-3 गुना बढ़ चुका है, 3.5-3 गुना, 4 गुना, इतनी प्राइसेस हाई है इस टाइम पे टिकट्स की। जो लोग अभी ट्रेवल कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्या सीन चल रहा है।
तो ये वाला चक्कर है। तो मुझे कराची से जो फ्लाइट मिल रही थी उसमें फिर कुछ पैसे बच रहे थे। आज भी बोल काश कोई ऐसा टाइम आए कि जिसमें तू मेरे साथ जाए। हाँ, काश कोई ऐसा टाइम आए जिसमें तू मेरे साथ जाए। ये तेरा परमानेंट डायलॉग ब्रो, तुझे ट्रैवल पार्टनर मिल गया। अब कहाँ जेडी? हाय, नहीं जेडी, जब तूने जाना होगा तू बताई, फिर आप इकट्ठे चलेंगे। तू अब उससे पंगा क्यों ले रहा है, आगे जाने दे थोड़ा सा। ओके भाई जेडी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जहाज परवाज के लिए तैयार है, अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। नकल चोर ने मेरी नकल करते हुए स्लाइड्स लिए। लाहौर टू कराची वाली फ़्लाइट थी फ्लाई जिना के साथ। फ्लाई जिना से एक बार पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। बड़ी बेहतरीन डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इतना डिसिप्लिन स्टाफ, साफ सफाई, ऑन टाइम। खैर अभी हम लोग कराची पहुँचे हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल दिए हैं, मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ घंटे हैं। तो अभी यहाँ से कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर दोबारा एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। ओए होए होए यार, क्या पीसफुल सीन हुआ भाई सीन कराची का। और कराची में जो शाम की हवाएँ चलती हैं ना, क्या बात है। कराची एयरपोर्ट फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, और मैंने वहाँ को तारीफें की थी कराची की बिरयानी की, और आज मेरे लिए थोड़ा सा दुखी सा दिन है कि कराची में कदम रखने के बाद भी बिरयानी खाए बगैर यहाँ से मुझे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हम एयरपोर्ट से बाहर गए नहीं। और मैंने देख रहा था कि किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर डिलीवरी हो जाए, वो भी नहीं हो रही थी। तो नेक्स्ट टाइम ले। अच्छा, अभी पहले हमारा प्लान था स्पेन का और आगे कुछ और कंट्रीज़ का। उसमें मसला ये हुआ कि हमें वीज़ा में टाइम लग रहा था स्पेन का, इतना टाइम के आगे फिर रमज़ान शुरू हो जाना था। तो हमने सोचा कि यार उससे बेहतर है कि अभी हम एक दो कंट्रीज़ घूम आते हैं जिसका इजीली वीज़ा मिल जाता है, फिर वापस आके रमज़ान के बाद हम यूरोप अप्लाई करेंगे और फिर बाद में वो कर लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि अभी हम लोग जा रहे हैं बाली, बाली के बाद हम लोग जाएंगे थाईलैंड। तो ये कोई 20 दिन का ट्रिप होगा। अभी तो रमज़ान शुरू होने में टाइम है, लेकिन ये वीडियोस रमज़ान तक भी आ रही होंगी। खाना पीना रुकना नहीं चाहिए, तो मैंने लिए आइस्ड कैरेमल लाटे, और बेगम साहिबा ने लिए कौन सी, आइस्ड वनीला लाटे। और इसकी स्टोरी आप लोगों को पता होगा, कनाडा जाते हुए लिया था। और साथ ही नकल चोरी तो मस्त है ना, कि सेम चीज़ें हो जाए बस। फ्लाइट में सवार, चिकन पास्ता, नट्स, बन, प्रॉन्स, ब्राउनी, चिकन ठाठा और ये आई थिंक बटर है। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बैंकॉक एयरपोर्ट। अभी यहाँ पे हमारा तकरीबन 1.5 घंटा है, फिरेंगे, कुछ खाएं पिएंगे हल्का फुल्का सा, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है। एक स्लाइस भाई ने लिए ये जी बर्न चीज़ केक, और इसका नाम है आउ स्पाइन पता नहीं क्या, लेकिन ये चॉकलेट फिल्ड क्रोसा है, साथ में कॉफ़ी है। हाँ, मुझे लगता है हमारे साथ प्रैंक हो गया, चॉकलेट ही नहीं अंदर, देख के लग रहा था कि खोलेंगे चॉकलेट निकलेगी, कोई चक्कर नहीं। और एक है जी स्पिनच दानिश, इसका नाम वहाँ पे स्पिनच दानिश लिखा हुआ था, या डैनिश या कुछ भी। बर्न चीज़ केक, बर्न चीज़ केक, वो चोकस है ना गाइस। यहाँ पे कुछ था, अभी नहीं है, लेकिन चीज़ केक ने जो चेस करवाई है ना, ओए होए होए, क्या लीथल किस्म का चीज़ केक है। बाली और पूरा रास्ता मैं सो के आया हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ अभी यार, बाहर जाके तो बाद में देखेंगे। अभी तो मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि बाली का एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है। आपको थोड़ा सा व्यू मिल रहा है, यहाँ पूरा उस तरफ आगे लाइन में जो है वो पता नहीं कितनी यहाँ पे फ्लाइट्स, और मतलब एक आइलैंड है बाली, और एक आइलैंड का इतना बड़ा एयरपोर्ट। होए भाई, लुक एट द एयरपोर्ट, मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस चीज़ पे कि ये एक आइलैंड का एयरपोर्ट है, इतना खूबसूरत और इतना, मतलब उसको प्रॉपरली वो डिज़ाइन किया हुआ है, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है। मतलब मैं सोच के आया था, जिस तरह बाकी अक्सर मैं आइलैंड्स पे गया हूँ ना, तो एयरपोर्ट होता है काफ़ी दूर और एक छोटा सा एयरपोर्ट होता है, बट ये एयरपोर्ट तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना खूबसूरत जम्बो किस्म का एयरपोर्ट होगा। ये चेक करो क्या आर्ट किया हुआ यहाँ पे इन्होंने। वेलकम टू बाली इंडोनेशिया, फाइनल फील मुझे अब आई है, तो मैं वही आपको दे रहा हूँ। हम लोग अंदर से सारा वो क्रॉस करते हुए सामान लिया, बाहर आए, और अभी तक जितना मैंने बाली एयरपोर्ट देखा है
अभी दिसंबर में टोरंटो गया था, तो वो आप समझ लो कि ये टोरंटो एयरपोर्ट से 10-15 गुना ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा इसको मतलब इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब ये देखो इस तरह गार्डन्स हैं और वो बाहर इनका जो कल्चरल पूरा थीम बनाया हुआ है। वैसे भी इंडोनेशिया जो है अपने वो ग्रीनरी के लिए, लश ग्रीन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये इन्होंने इस तरह से यहाँ पे थीम दिया हुआ है। और उसके अलावा हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा जिस तरह मेंटेन की होती है ना, एक वो ज़ाहिर बात है एक कितना मेन टूरिस्टिक ये कंट्री है और उसका मेजर बाली जो है वो आपको पता है किस तरह से पापराजी है ना, पापराजी फील आ रही है। बाली पहुंचते ही हमें 3 लाख रुपए का जो है ना वो नुकसान हो गया। 100 USD का यहाँ पे मिलना था मुझे 1.7 million 17 लाख, लेकिन हमें मिला 14,70,000। 3 लाख पूरा तो नहीं, तकरीबन कोई 2.25 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ की करेंसी ऐसी है, मतलब अब ये जो टैक्सी वाले चाचा हैं इनको मैं 3.5 लाख रुपए दे रहा हूँ होटल तक जाने के, तो इस तरह के यहाँ पे सीन होते हैं। अभी खैर हम लोग टैक्सी में बैठे हैं और एयरपोर्ट से निकलते ही अभी जितना बाली मतलब नज़र आ रहा है वो सुपर क्लीन और फुल ग्रीन, लश ग्रीन, और इस तरह अभी तो इस तरह का माहौल नज़र आ रहा है। आगे जाके टाउन्स देखेंगे फिर पता लगेगा। और 2 सिम कार्ड्स हमें मिले 6 लाख रुपए के, 6 लाख इंडोनेशियन रुपीस। अच्छा, बाली का ये सीन है जिस तरह हम लोग एयरपोर्ट से निकले और इसके ये इतना बड़ा आइलैंड है कि इसके अभी एक साइड पे एयरपोर्ट है बिल्कुल एक कोने में, और वहाँ से जो एक सेंटर है उबुद सबसे मशहूर इसका एरिया, इसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रुकने की एक रीज़न आपके पास होनी चाहिए कि वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आपको उस डिस्ट्रिक्ट में रुकना पड़ता है, क्योंकि देखो जो जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ये वाला जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जिस एरिया में मैं भी जा रहा हूँ वो उबुद है, उबुद की अलग एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ से उबुद जाना एयरपोर्ट से उबुद 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो वो डेली आप इन जगहों पे आके अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, इसलिए आपको चूज़ करना पड़ता है कि मुझे 2 दिन इधर रुकना है, 3 दिन इधर रुकना है, इस तरह। तो अभी हम अपने शुरू के 3 दिन रुकेंगे उबुद में और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे अपना, शहर आइलैंड के अंदर ही अलग जगह पे जाके स्टे करेंगे, तो वो बाद में भी हम सोचेंगे कहाँ पे हमने क्या करना है, फिर उस हिसाब से हम अपना अगला होटल डिसाइड करेंगे। तो इतना बड़ा आइलैंड है कि एयरपोर्ट से उबुद जाने के लिए हमें 1.5 घंटे की ड्राइव है। हाँ, ये भी हम लोग पहुँचे यहाँ पे, चेक इन किया हमने रिजॉर्ट में, इसका अभी तो शाम हो रही है, इसका आपको सुबह टूर दूंगा। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है ये, थोड़ी सी आपको पीछे फील नज़र आ रही होगी, पीछे बहुत खूबसूरत पूल है, लेकिन वहाँ पे भी नाइयाँ तो यहाँ चल रही हैं, नहीं तो मैं वो ज़्यादातर दिखा नहीं सकता। आज जो फीलिंग आ रही है ना वो आ रही है जिस तरह कि सारी दुनिया का पैसा भाई के पास इकट्ठा हो गया, क्योंकि एक बर्गर और एक सैंडविच मैंने लिया है 1,87,000 का, वो 2.25 लाख बर्गर तो लाता है। खैर यहाँ की करेंसी इस तरह ही है, 1,87,000 पाकिस्तानी कितना बनता है यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। मैंने लिया है डबल पैटी बीफ बर्गर विद चीज़ कैरमलाइज्ड अनियन फ्राइज ड्रिंक, और बेगम आला मरूफे आला बेगम आला ने लिया है जी पार्मेजान चिकन सैंडविच। अभी हम खाने लगे हैं, साथ में बाली का चलता फिरता बाजार है बड़ा मज़े का, और उसका व्यू ले रहे हैं। ऑथेंटिक बीफ बर्गर, अनएक्सपेक्टेडली कैरमलाइज्ड अनियन चीज़ और एक प्योर जो बीफ पैटी होता है, नेक्स्ट लेवल किस्म का बर्गर है। इस जगह का नाम है हलाल उबुद बर्गर, और ये हलाल है, यहाँ पे आप बीफ चिकन कुछ भी खाओगे हलाल होगा, और प्राइसेस भी ठीक है और है भी बहुत मज़े का। इसकी भी गेम, और ये मैंने भी ट्राई की है पार्मेजान सैंडविच, पार्मेजान चिकन सैंडविच, और ये भी इंतहाई मज़ेदार, मतलब इसकी जो ब्रेड है उसकी ही एक अलग अपनी जो है ना वो टेस्ट है। हाय 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 मज़ेदार पार्मेजान। ओए होए होए होए, दिस 4 मिलियन, ये 4 मिलियन 1.5, ओके 44,85,000। अभी खाना शाना खा के मैंने करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, जो एयरपोर्ट से मैंने करवाए थे $100, वो आपको, आप अगर मेरी ट्रेवल सीरीज फॉलो करते हो तो मैं इसी तरह करता हूँ, USD रखता हूँ सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाते ही, इतने पैसे चेंज करवाता हूँ कि मुझे फ़ौरन जो उस दिन ज़रूरत पड़े वो चीज़ें हो सकें, बाकी करेंसी मैं शहर के अंदर जाके अच्छा रेट देखता हूँ फिर वहाँ से लेता हूँ। बाली के अंदर पहली जगह मैंने देखी है जहाँ पे पूरे बाली में जितने भी करेंसी एक्सचेंज हैं एयरपोर्ट के अलावा ये यहाँ पे मार्केट्स में सबका रेट सेम है। मुझे $300 का मिला है 44,85,000,
तो वो एकदम से फील मुझे, यहाँ पे लाख रुपए का नोट है, तो एकदम से फील मुझे आती है कि यार मैं 44 लाख जेब में लेके फिर रहा हूँ, लेकिन फिर वो $300 है। लेकिन जी हम अपना डे एंड कर रहे हैं इस पर। ये मेरी स्टारबक्स की फेवरेट चीज़ है जावा चिप, और ये मैंने आज ट्राई किया इनका चॉकलेट कैंडी। कैसा लगा जावा चिप? तारीफें सही थी खराब थी? यम। मैं पी के देखूँ, ये पहली बार मैंने ट्राई करना है। जावा चिप। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना है, भाभी को भी दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। बाकी सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कल सुबह 12 बजे से घर से निकले हैं, और कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन सारा ख़त्म। अब रात के 11 बजे में अभी बस सोएंगे। बहुत 2 दिन हो गए जहाज की नींद ली हुई है सिर्फ।